अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मिक्स गोभी रेसिपी। और इस रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मिट्टी की, और इसमें हमने तकरीबन 3 चमचे ऑयल डाला है। हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि हम सब्ज़ी को फ्राई करेंगे ऑयल में, हम पानी नहीं डालेंगे सब्ज़ी में। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने गोभी को अच्छे से धो के छोटे छोटे पीस कर दिए थे, और आप देख सकते हैं हमने गोभी को डाल दिया है ऑयल में। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद हमने गोभी डाल दिया है। अब हम इसके बाद लहसुन और हरी मिर्ची डालेंगे। अब देख सकते हैं हमने वो हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है, और इसके बाद हम नमक और हल्दी डालेंगे। हम मसाले कोई नहीं डालेंगे, बस हम हल्दी और अजबे सया का नमक डालेंगे। अब देख सकते हैं हमने हल्दी भी डाल दी और नमक भी हमने डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोभी को। इसके बाद हम और सब्जियां शामिल करेंगे इसके साथ। आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 3 आलू थे हमारे पास छोटे साइज़ के, ये हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हम चिकन डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 250 ग्राम हमारे पास चिकन है। और इसको हमने इसके चिकन के हमने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। हम बना तो गोभी रहे हैं लेकिन साथ में हम मटर और आलू को भी डालेंगे गोभी में। ये हमने मटर लिए हैं, ये हम डाल रहे हैं। और इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है गोभी की। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हम ऑयल में ही फ्राई करेंगे, इसलिए हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है। और इसके बाद हम टमाटर डालेंगे, तकरीबन 2 टमाटर थे हमारे पास, ये हम डालेंगे। अब हम साथ में टमाटर को भी फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो टमाटर थे ये गल हो रहे। हमने कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है माशाल्लाह से हमारी तैयार हो रही है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और अब हम लास्ट में हरा धनिया डालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है हमारी गोभी की रेसिपी से। और अगर आप लोग को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।